Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एनए 120 पर अदालती फैसले के एहतराम में इलेक्शन कराया। अदालती फैसले पर ईमान लाने का तकाजा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमानी सहीफा नहीं। इमरान खान ने अदालत उज़्मा को सियासी जमात के तौर पर मुतारिफ कराया। राणा सनाउल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखंड भारत और लाल किले पर झंडे लहराने के नजरिया चैलेंज हो चुके। हम घटी करने के करीब है। वजीर दाखिला हसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। ये भी कहा कि सीपैक को ईस्ट इंडिया कंपनी करार देने वाले बदतियानत हैं। सिंध हाई कोर्ट का आईजी सिंध को तानिया खासफैली कत्ल केस की तफ्तीश की निगरानी का हुक्म। तानिया के घर वालों को मुकम्मल तहफ्फुज़ देने की हिदायत। डीआईजी ने अदालत को बताया कि मुलजमान का इंसदादे दहशतगर्दी से 7 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। सहूलतकारों को भी जल्द पकड़ लेंगे। अदालत का 29 सितम्बर तक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शादी से इनकार पर तानिया को कत्ल किया गया था। हरिपुर सेंट्रल जेल में मिशाल खान कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 57 मुलजिमों का फर्दे जुर्म आए। समाअत कल तक मुलतवी। नैब रेफरेंसेज में पहली पेशी पर शरीफ फैमिली गैर हाजिर। एहतसाब अदालत ने दोबारा तलबी के समन जारी कर दिए। जाति उमरा और मॉडल टाउन जाने की इजाजत नहीं मिली। समन गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। वारंट गिरफ्तारी की भी इस्तदा। क्या वारंट गिरफ्तारी भी सिक्योरिटी गार्ड को देकर आ जाएंगे? कोई समन वसूल नहीं करता तो दीवार पर चस्पा कराएं। आइंदा समन सिक्योरिटी इंचार्ज को देकर जान नहीं छुड़ानी। ये क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट नहीं। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। आसिफ करमानी तमाम मुलजमान को समन से आगाह करें। अदालत की हिदायत। हसन और हुसैन नवाज रायबन के रिहायशी नहीं। जज साहब को आगाह किया है कि कुलसूम नवाज लंदन में जेर इलाज है। ये नहीं बता सकता कि कुलसूम नवाज और उनकी फैमिली कब वतन वापस आएगी। जिन लोगों के बारे में अदालत ने कहा उन्हें इत्तला दे दूंगा। आसिफ फिरमानी की मीडिया से गुफ्तगू। आज कल में एक तीसरी सर्जरी भी मुतवक्को है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कब आएंगी या कब ये वो आ सकते हैं। इस बारे में मैं कोई श्योरिटी से बात नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब के मामले पर ओपोजिशन से मुशावरत जारी है। चाहते हैं ऐसा बंदा हो जो सबको कबूल हो। असेंबली टूटेगी तो फिर टूटती चली जाएगी। जमहूरियत को छेड़ना मुल्क दुश्मनी होगी। मार्च में सेनेट इलेक्शन है। नून लीग कमजोर पोजीशन पर नहीं जाएगी। आर्मी चीफ ने जमहूरियत के तसलसल की बात की है जो खुशाइन है। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नियाजी साहब का तख्ता उलट चुका। वो अपनी काबिलियत बताएं, अपने मुंह या मिठू ना बने। जस्टिस वजी और दीगर मेरी क्यादत में आने को तैयार है। मनीषियात के आदि अफराद को पार्टी क्यादत नहीं मिलनी चाहिए। धरनों में खैबर पख्तूनख्वा का पैसा इस्तेमाल हुआ। आयशा गुलालई इलेक्शन कमीशन के बाहर इमरान खान पर बरस पड़ी। गुलालई नाहली रेफरेंस में तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात और गुलालई ने जवाब जमा करा दिया। समा 26 सितम्बर तक मुलतवी। आयशा गुलालई की वजह से अंग्रेजी की डिक्शनरी तब्दील हो गई है। पहले कहते थे लाए बिग लाए, अब बिग लाए को रिप्लेस कर दिया गया है गुलालई से। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तब्दीली आ गई है इन खातून की वजह से। पहले बड़े झूठ को बिग लाए कहा जाता था, मगर अब डिक्शनरी तब्दील हो गई है। अब बड़े झूठ को गुलालई कहा जाता है। फवाद चौधरी का तंज, एहसन इकबाल पर भी तनकीद। अदलिया मुखालिफ मुहिम का इंचार्ज करार दे दिया। सूबाई वजीर रहीम काकर को रेफरेंस में क्यों शामिल नहीं किया गया? मुकदमा नैब पर बनना चाहिए। केस बनाने वाले नैब अफसरान को जेल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोयटा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करप्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद के रिमांड। साबिक डीजी कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर में गैपको गैर कानूनी भर्ती केस की समाअत। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर गवाह तलब। We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
पाकिस्तान के ख्याल में अमन कायम करने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हैं अमरीकी इंतजामिया से। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है मगर कयाम अमन के लिए हमारा फलसफा अमरीका से मुख्तलिफ है। जंग से अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीकी नायब सदर ने खुद वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त की है। अक्वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी की आज न्यूज से बातचीत।